आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, जिसके चलते सभी दावेदारों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और अपने अपने क्षेत्र में दौरे पर निकल चुके हैं। तो कौन होगा पब्लिक का प्राइम विधायक, इसको खोजने के लिए हमारी टीम भी निकल पड़ी है। जैसा कि अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य विधानसभा से बीएसपी की दावेदारी कर रहे आशीष चंद श्रीवास्तव आज दौरे पर निकले हैं। आखिर वो उनका मुद्दा क्या रहेगा, तो आइए सीधे बात करेंगे आशीष चंद श्रीवास्तव से। मध्य विधानसभा से बीएसपी की दावेदारी कर रहे आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ अमीनाबाद क्षेत्र में यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जिसके चलते आज अब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका क्या कहना है, सीधे बात करेंगे। तो आशीष जी, आप बताइए कि अब आप लगातार दौरे पर निकले हैं, तो किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है? मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीष चंद्रा श्रीवास्तव, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी मध्य विधानसभा। हम लोगों ने आज जो है अपनी एक छोटी सी रैली निकाली है, बहुत छोटी सी, जो हम लोगों ने राजेंद्र नगर से चालू करी है और राजेंद्र नगर से होते हुए पांडेगंज, रानीगंज होते हुए अमीनाबाद, मौलवीगंज, रकाबगंज होते हुए हम लोग जो है अभी यहाँ पे ये पहुँचे, डालीगंज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से हम लोग इसको कैसरबाग से होते हुए आपका जो है बारूद खाना गोलागंज तक लेके जाएंगे। आशीष जी, जिस तरीके से आपने अभी पूरा रूट अपना बताया है कि इतना लंबा रूट आपका चल पड़ा है, अभी आपने रास्ते में कई लोगों से बातचीत की हुई, किस तरीके का आपको समर्थन मिला? पूरा क्या कहते हैं, जनता का वही फिर से कहूँगा कि आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का सबसे ज़्यादा। और नौजवानों साथ में आप देख ही सकते हैं कि कितना नौजवान चल रहा है, बड़े बूढ़ों का, सबका। और ये कह लीजिए आपकी वही बहन जी की जो बात होती है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली, बस उसी तरह जितने सर्वजन हैं उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक ही जात से कोई हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे साथ सर्व जाति के लोग और सर्व समाज के लोग हैं जिनसे आशीर्वाद मिल रहा है। जी, आपने लोगों से बातचीत की होगी, तो लोगों से बातचीत करते हुए आपने उनसे बताया भी होगा कि किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं आपके सामने रखी होंगी, किस तरीके की समस्याएं उन्होंने रखी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जैसे नौजवान है, इनकी आज बेरोजगारी की समस्या है, तो इस ये बेरोजगारी की समस्या इस सरकार में तो जो है दूर की नहीं गई। ठीक है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर दूर करी गई तो वो हमारी जो है बहन जी की सरकार में जो है दूर करी गई। ठीक है, उस टाइम पे उस टाइम पे जो है आपका क्या कहते हैं कि जो भर्तियां हुई, आपको पता है 125,000 भर्तियां फोर्थ क्लास में हुई। ठीक है, और शिक्षक की भर्तियां हुई 70,000 और लगभग जो है 60,000 जो है पुलिस की भर्ती हुई। तो ये सब भर्तियां जो ऐसी भर्तियां हुई जिनको आदमी देख रहा है और पता है सबको कि ये भर्तियां हुई। और बाकी इस सरकार ने कहा कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, तो ये 4.5 लाख नौकरियां कौन से नवयुवकों को दी, किसको दी और कहां दी, इसका अभी तक जो है उन लोग वो नहीं दे पाए हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि ये वो नौकरियां हैं जो डेली बेसिस वाली हैं। ठीक है, वो डेली बेसिस अब ख़त्म करके उनको, ठीक है, उसको भी अब इन्होंने ठेकों पर दे दिया है, ठेकेदारों के हाथों में दे दिया है कि ठेकेदार जैसे जिस तरह मनचाही, जो भी लोगों की मेहनत है वो भी नहीं मिल रही है। आप चले जाइए, ठीक है, नगर निगम में किए आज ये क्या कहते हैं, नगर निगम में काम करने वाले लोगों का जो फोर्थ क्लास होता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि 4-4 महीने से जो है नगर निगम वेतन नहीं दे रहा है। तो अगर वेतन नहीं दे रहा 4-4 महीने से, तो क्यों नहीं दे रहा? ये इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आज जितनी भी क्या कहते हैं पहले जो डेली बेसिस पे था उसको भी ख़त्म करके सब ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। तो सब धीरे धीरे करके सरकार तितर बितर करे दे रहा है, और जो हमारा क्या कहते हैं मिडिल और उससे नीचे का क्लास है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हो गया इससे और बहुत ज़्यादा परेशान। अब आप आगे भी और अपना भी आपका ये रोड मैप चल रहा है लगातार, जिसमें आप जनसंपर्क आपका लगातार चल रहा है, अब आगे किस तरीके की किधर की तरफ आप मूव ऑन करेंगे और वहाँ पे क्या चीज़ पे ध्यान आपका ज़्यादा रहेगा? हम तो अभी क्या है कि अभी तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, और क्या कहते हैं, मैं आशीष चंद्रा, मुझे जनता का आशीष प्राप्त हो रहा है, ये कहिए। और जो है अगर मैंने बताया पहले भी कि अगर जनता जो है मुझे चुनती है यहाँ से मध्य क्षेत्र से, तो बस जो है अपने नौजवान जो साथी हमारे साथ में हैं और जितने आपका क्या कहते हैं बेरोजगारी है ये दूर करनी है, और जो यहाँ की आपको पहले ही बताया मैंने कि सीवर नाली की समस्याएं हैं इनका निवारण करना है।
तो मध्य विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं आशीष चंद श्रीवास्तव हमारे साथ में मौजूद थे, वहीं पर कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका क्या कहना है। सीधे यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं अपने इस उम्मीदवार के लिए। तो क्या नाम है आपका? अर्चना नाम है। अर्चना जी, ये बताइए कि अभी यहाँ पे जिस तरीके से BSP से दावेदारी कर रहे हैं आशीष चंद श्रीवास्तव जी, उनके लिए आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छे नेता हैं, मतलब ऐसे नेता जो है सबको मिले, और जो ये है मतलब महिला जो है इससे सुरक्षित रहेंगी इसमें बसपा में। कभी भी देख लीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हम भी एक फार्मासिस्ट कर रहे हैं, कहीं भी ऐसी भी होती है कि मतलब जो है क्या बोलते हैं, जो हमारी मोदी जी हैं इन्होंने जॉब के नाम पे पैसों ले ले करके सबको मतलब वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ तो 800-900 रुपए हम लोग फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद तब भी नहीं हम लोग को कहीं जॉब मिलती है, दो तीन तीन नंबर से गिरा दिया जाता है। इसमें रहेगा कम से कम कुछ ना तो नौकरी तो मिलेगी जी। हम लोग ग्रेजुएशन बच्चे क्या करें जी, आप बताइए। ये हमारे नेता ऐसे हैं कि कम से कम नौकरी तो कहीं दिलवा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इनको चुने हैं जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? काजल गौतम। काजल, आपका क्या कहना है, ये जो BSP की दावेदारी कर रहे हैं आशीष चंद्र श्रीवास्तव, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, बहुत अच्छे विधायक बनेंगे क्योंकि इससे कम से कम रोजगार हम लोग को मिल जाएगा। मैं अभी ग्रेजुएशन पास हूँ, डिप्लोमा भी किया है, बट कोई वो जॉब नहीं है। अदरवाइज इतनी महंगाई बढ़ गई है इससे कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तो लॉकडाउन लगने की वजह से किसी को ये तो किसी घर में कोई कमाता है कोई नहीं कमाता है, लॉकडाउन लगने तो राशन इंसान ने अपने बंटवा तो दिया, बट अगर गैस इतनी महंगी हो गई तो बनाएगा कैसे, पैस कच्चा तो खा नहीं जाएगा, इसी वजह से नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगी, आप क्या करते हैं? हम अभी कुछ नहीं करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में है। हर साल तो प्रमोट ही हो रहे हैं, पेपर ही नहीं हो रहे तो क्या करें इंसान। अच्छा, इलेक्शन के बारे में जानती है, इलेक्शन क्या है ये? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। थोड़ा बहुत जानते हैं। तो अभी आप यहाँ पर ये जिस तरीके से यहाँ पे कई मध्य विधानसभा से कई लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो मध्य विधानसभा से एक कैंडिडेट हैं आशीष चंद्र श्रीवास्तव, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये कहना है कि हमारा जैसे कि अभी स्कूल खुले हैं, फिर शायद चुनाव होने के बाद फिर बंद हो जाए, कम से कम खुले तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हम लोग की वो ऑनलाइन क्लासेस किसी की हो रही है, किसी की नहीं हो रही, किसी के पास मोबाइल है किसी के पास नहीं है, तो कैसे हम लोग पढ़ें? हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हर टाइम मतलब खुलता है कभी बंद हो रहा है, हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है सही से, तो इसीलिए हम लोग इनको चुन रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील रहमान पप्पू है। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ मध्य विधानसभा से आशीष चंद्र श्रीवास्तव यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? उनके लिए कहेंगे कि अच्छे कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं और युवा हैं, सबसे अच्छी बात युवा हैं, और बहन जी के शासन काल में कोई दंगा फसाद नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग आशीष चंद्र श्रीवास्तव के साथ हैं। से बोला जाता है कि BJP की सरकार मतलब और सरकारों में काम नहीं हुआ है और BJP की सरकार में काम हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? काम देखिए, सब लोग हर पार्टी कहती काम हुआ है, लेकिन काम जो हुआ है वो सबके सामने है जी। काम जो हुआ सबके सामने है, बहन जी अच्छा काम किसी ने नहीं किया। 5 साल में जो गोमती नगर योजनाओं का विकास हुआ पूरा तो कोई विकास करके बताया कि हमने इस महल में विकास किया है? बहन जी ने पूरे लखनऊ विकास का, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है, और उनका शासन भयमुक्त है। लोग कहते हैं भयमुक्त है, लेकिन बहन जी का भयमुक्त है शासन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद तला खान। मोहम्मद जी, ये बताइए कि आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी 2022 का विधानसभा चुनाव एकदम सर पर ही है, जिसके चलते यहाँ पर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो अभी यहाँ मध्य विधानसभा से आशीष चंद्र श्रीवास्तव अपनी दावेदारी कर रहे हैं जो BSP के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा आशीष भैया युवा है हमारे बीच में, हम लोग भी युवा है, वो सभी लोग उनका साथ दे रहे हैं, और जिसको डर लग रहा है समाजवादी पार्टी को वो बैसाखी लगा रही है, हम लोग का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, अपने बल पे लड़ रहे हैं हम लोग। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श, आदर्श, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? आप एक महिला हैं, आप क्या चाहती हैं? आप नहीं चाहते कि आपकी सुरक्षा हो, आप नहीं चाहते कि आपकी इज्जत रहे, आप नहीं चाहती कि सबको शिक्षा मिले, आप नहीं चाहती कि गरीबों को रोजगार मिले, आप नहीं चाहती कि शिक्षा मिले, आप नहीं चाहती कि स्कॉलरशिप मिले, आप क्या नहीं चाहती है? हम वो चाहते हैं जो गरीब जनता चाहती है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रत्येक जो भी हमारे नागरिक उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ नागरिक हैं, उन सभी को बराबर शिक्षा मिले, सम्मान मिले, रोजगार मिले, जो कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में करके दिखाया है। इससे पहले की भी सरकारों में बहन जी ने रिकॉर्ड तोड़ भर्तियाँ की हैं,
बहन जी ने भर्तियां जो की हैं वो एक दो नहीं करी हैं और उनकी कोई भी भर्ती आज तक किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी फंसी नहीं है। अच्छा, आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी कोरोना काल में लॉकडाउन टाइम पे जो इतनी दिक्कतें आई थी उस टाइम पे मोदी सरकार ने काफी कुछ व्यवस्थाएं की थी, ऑनलाइन क्लासेस की बात की गई थी, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के चलते उन्होंने काफी इंतजाम किए थे, तो उस पर आप क्या? देखिए, आप भी जानिए मैम कि ऑनलाइन क्लासेस में किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, किसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं किसके बच्चे प्राइवेट और प्राइमरी में पढ़ते हैं। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो सब पढ़ते हैं प्राइमरी में, और जो अच्छे लोग हैं जो समृद्ध लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट में। तो आपको समझिए, अगर एक घर में चार बच्चे हैं तो चारों की पढ़ाई हो रही है, और चारों की पढ़ाई हो रही है मतलब चारों को फ़ोन चाहिए। आप किसी गरीब परिवार के घर में जाइए कि आप देखिए स्थिति, वाकई में उनके घर में चार फोन हैं जिसपे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। यदि अगर सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जोर दे रही है तो सबसे पहले उनको गरीबों के बीच में स्मार्टफोन देना चाहिए, फ्री नेट देना चाहिए, जिससे कि हमारे गरीब के बच्चे, मजलूमों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अखिलतों के बच्चे वो फ्री पढ़ सकें और अच्छा पढ़ सकें। क्योंकि अगर ये सिस्टम आएगा, आप ये समझिए गैप कितना है, जो ये लोग कर रहे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट पढ़ते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं, लैपटॉप है, टैबलेट है, आईपैड है, लेकिन हमारे लोगों के बच्चे के पास ये सब सुविधाएं नहीं है, जिस कारण हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। जब हमारा बच्चा पिछड़ेगा तभी वो शिक्षा से बेरोजगार हो जाएगा, जब शिक्षा उसको नहीं मिलेगी तो बड़ा होकर क्या करेगा, वो नौकरी तो कर नहीं पाएगा, वो मजदूरी करेगा, पकौड़े लगाएगा, जैसा कि आपके मोदी जी कहते हैं आदरणीय की पकौड़े लगाइए, उनके लिए वो भी रोजगार है, तो हम इसको रोजगार नहीं मानते। ये अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पकौड़े बेचता है तो कितने शर्म की बात है कि आज़ादी कितने साल बाद भी हमारा देश पकौड़े बेचने पे जोर दे रहा है, हमारा देश शिक्षा पे जोर नहीं दे रहा है, हमारा देश कॉरपोरेट जॉब पे जॉब नहीं दे रहा ना। तो ये तो आप देखिए कि सरकार अपनी विफलताओं को कैसे छुपा रही है, जिसके कारण वो आपको तरह तरह के हथकंडे बता रही है। आजकल आप देख रहे होंगे हिजाब का मामला, अरे भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, आप शिक्षा भी चुनाव लड़ो, आप बेरोजगारी भी चुनाव लड़ो, आप महिला सुरक्षा पर चुनाव लड़ो, आप आतंकवाद से निपटने के लिए चुनाव लड़ो, आप इन सब मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, आप चुनाव लड़ रहे हिंदू मुस्लिम में, आप चुनाव लड़ रहे गाय पर, आप चुनाव लड़ रहे हिजाब पर, आप चुनाव लड़ रहे सांप्रदायिक ताकतों को उठाने के लिए। आप अगर जानिए कि अगर ये हिंदू मुस्लिम से हट जाएं और हम एक मुश्त होकर शिक्षा पर वोट दें, स्वास्थ्य पर वोट दें, महिला सुरक्षा पर वोट दें, जो सबसे बड़ी मतलब मेजर इशू हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश का, हर 3 मिनट में एक रेप होता है, यह हमारे आंकड़े नहीं NCERB के आंकड़े हैं जो कि सरकार खुद पेश करती है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, जहाँ पे एक दलित बच्ची को दिन रात दिन दहाड़े जला दिया जाता है उनके घर वालों के बगैर, तो आप समझिए कि क्या स्तर यहाँ पे शिक्षा का, कानून व्यवस्था का। बहन जी को वोट लोग इसलिए देते हैं क्योंकि बहन जी के राज में कानून व्यवस्था एक नंबर थी, एक नंबर है और आगे भी वो रहेंगी। तो ये है, बहन जी का शासन लाइए, आप भी सुरक्षा पाइए, हम भी सुरक्षा पाएँ, हम भी बेरोजगार हैं, हम भी रोजगार पाएँ, हम भी चाहते हैं अच्छी जॉब पाएँ, हम भी 10-12 हज़ार की जॉब नहीं करना चाहते। तो बहन जी की सरकार आएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपका क्या नाम है? कमल गौतम नाम है। कमल, आप बताएं कि आप चाहते हैं इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि जो है सरकार वो आए जो शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे और आम गरीब जनता का बेखूबी ध्यान दें। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है इस राज्य में, और लोगों को जो है समान अधिकार मिले, और लोगों को जो है बिक्री ठप पड़ी है, लोगों के धंधे बंद पड़े हैं, जो लोग गरीब हैं वो बेचारे ठेले लोगों के हटाए जा रहे हैं, यहाँ पे नगर निगम बहुत जो है परेशान करे हैं। अमीनाबाद में देखिए लोग कितने परेशान हैं, लोगों को जरिया नहीं मिल रहा है काम करने का, और इतना परेशान किया जा रहा है इस सरकार में कि कोई हद नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे BSP की सरकार बने, जो 2007 से और 2012 के बीच में जो हम लोगों को न्याय और कानून व्यवस्था मिलती थी वो फिर से आए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो है फिर से अमन चैन का समाज इकट्ठा होगा, जो लोगों को रोजगार देगा। क्यों चाहते हैं BSP की सरकार के लिए, क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि BSP की सरकार? इसलिए चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ जो हैं वो सुरक्षित रहें, सर समाज की बेटियाँ सुरक्षित रहें। आज किसी भी समाज में आप देख लीजिए, हर बहन बेटियों के साथ कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई जो भी है, लोग जो है गुंडे माफियाओं का राज चल बसा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि कानून व्यवस्था लागू, पुलिस कानून द्वारा कानून का राज लागू हो, ये नहीं कि धार्मिक उन्माद फैला के जो है कानून का राज फैलाया जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है कानून द्वारा कानून का राज लाया जाए, जो पुलिस का एक्शन जो संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान की बात करके संविधान के द्वारा संविधान कानून व्यवस्था का
लागू किया जाए। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की जहाँ पे मध्य विधानसभा से दावेदारी कर रहे आशीष चंद्र श्रीवास्तव अपने यहाँ पर अभी दौरे पर निकले हैं, जहाँ पे तमाम लोग की भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, उसमें कई लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें हमने पहले लड़कियों से बात की तो उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा एक उठाया है और अभी हम यहाँ पे कुछ लड़कों से बात किया है, कुछ लोगों से बातचीत की है जिन्होंने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जिसमें सभी बहन बेटियों की सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि आज फिलहाल जो सरकार है उसमें इनको लगता है कि वो उस सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं होती है। अगर BSP की सरकार आएगी तो वो बहन बेटियों की रक्षा बनाए रखेगी। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।